हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं 9 दिसंबर 2017 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हेडलाइंस और डेली जीके अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आंसर बता देना चाहूँगा आपको 8 दिसंबर 2017 को पूछे गए टास्क ऑफ द डे के क्वेश्चंस का। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर उसका मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। बात कर ले फ्रेंड्स कि मैंने पूछा था कि मुद्रा क्या होगी यमन देश की। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर होगा यमनी रियल। और फ्रेंड्स, मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैगजीन का प्रकाशन कहाँ होता है या फिर वो कहाँ पर छपती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ छपती है ये न्यूयॉर्क में, यूएसए में। यूनेस्को के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये स्थापित हुआ था 1945 में और इस समय 195 के करीब इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और यूएसए की टाइम मैगजीन के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये साप्ताहिक छपती है हफ्ते में एक बार, और ये सबसे पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था 1923 में। अब आते हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स पर। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। अलापुझा शहर में शुरू की गई कचरा प्रबंधन की नई विधि एरोबिक बिन की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स, एरोबिक बिन की शुरुआत की गई अलापुझा शहर जो कि केरल में है। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ये फ्रेंड्स मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि 2017 की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में कुंभ मेले को रखा गया है और 2016 में फ्रेंड्स रखा गया था योग को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। सरकार ने मार्च 2019 तक 24x7 पावर फॉर ऑल का लक्ष्य रखा है और इसकी जानकारी दी फ्रेंड्स आर के सिंह, जो हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। और इन्होंने ऐसी जानकारी दी कि इस समय हमारे राज्यों के पास भरपूर मात्रा में बिजली है जो कि सभी तक पहुंचाई जा सकती है, बशर्ते उपभोक्ताओं को इसका पैसा देना पड़े। अब बात कर लें फ्रेंड्स, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने नई दिल्ली में साइकन 2017 का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, साइकन 2017 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स और मेडिसिन से, खेल और औषधि से संबंधित है फ्रेंड्स साइकन, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चंद्रमा पर रोबोट स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है चीन, और चीन की राजधानी है फ्रेंड्स बीजिंग और इसकी मुद्रा है युआन या फिर रेनमिनबी। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH 2018 की 46वीं कांग्रेस की मेजबानी भारत करेगा। FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग मुझे लिख करके बताइए कमेंट सेक्शन में। डोपिंग मामलों के उल्लंघन के लिए अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शहजाद को निलंबित कर दिया गया है 12 महीनों के लिए, क्योंकि ये डोपिंग यानी कि प्रतिबंधित दवाओं के सेवन करने के मामले में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स व्यक्ति विशेष की। तो व्यक्ति विशेष रहे फ्रेंड्स स्विगी के नए आपूर्ति भंडार के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी बनाए गए विशाल भाटिया। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, फ्रांस के सबसे बड़े रॉक स्टार का निधन हो गया फ्रेंड्स 74 वर्ष की आयु में, और इनका नाम है फ्रेंड्स जॉन हॉलीडे, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। सीरिया के फ्रेंड्स 16 वर्षीय मोहम्मद अल जोंडी को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सीरिया के शरणार्थी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रयासों के लिए, ये मैं आपको परसों बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में। खेल पर बात कर लें तो फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीत लिया है 5वीं बार बैलन डी ओर का खिताब, ये बहुत ही सम्मानित खिताब माना जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि लियोनेल मेसी भी 5 बार जीत चुके हैं ये खिताब बैलन डी ओर का। बात कर लें फ्रेंड्स, नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान पाने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। बग आइड कार्टून को फ्रेंड्स बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक आयोजन के लिए मैस्कॉट या फिर शुभंकर। डेली जी के अपडेट्स पर आते हैं फ्रेंड्स, तो केरल के वेनेटियन कैपिटल के रूप में जाना जाता है अलापुझा शहर को, और इसे ही हम लोग वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपका यहीं पर खत्म होता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टास्क ऑफ द डे की। तो आज भी हैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा और चीन की मुद्रा क्या है, ये फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ शायद, बट आप लोग फिर से बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कर दीजिए इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। सो फ्रेंड्स कल के लिए सेशन का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।